जब ऐसे गर्मा गर्म टेस्टी मसूर दाल घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट होटल का खाना तो आप भूल ही जाएंगे। दाल तो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं कोई रेस्टोरेंट या होटल में, वहाँ का दाल फ्राई बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं वैसे ही टेस्टी होटल स्टाइल मसूर दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप होटल जाना भूल ही जाएंगे और ये दाल बनाकर रोज़ ही खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में आपको मसूर दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये दाल बनाने के लिए मैंने इधर 1.5 कप मसूर दाल लिया है, जो कि साबुत मसूर दाल इस रेसिपी में हमको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैंने दाल को अच्छे से वाश करके लिया है और इधर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज को बारीकी चॉप करके लिया है। आप इस रेसिपी में ढेर सारे प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दाल जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा की क्वांटिटी में प्याज को रखा है। उसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम साबुत मसूर दाल को डाल देते हैं। उसके बाद जो मैं प्याज को बारीकी चॉप करके डाली थी, हम इसे भी साथ में ही डालेंगे। प्याज जो है आप मसूर दाल के साथ में पकाएंगे तो आपका जो प्याज है बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और दाल भी जो है गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी, इसलिए मैंने साथ में प्याज को डाला है। आप एक बार इस तरीके से दाल बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इस रेसिपी में हम साबुत मसूर का दाल इस्तेमाल किए हैं तो ज़्यादा गाढ़ी होने के लिए मैंने इसमें प्याज को साथ में ही डाल दिया है, जो कि हमारा ये प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, हमारा दाल जो है गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। चलिए, हम इसमें हल्दी नमक डाल दिए हैं टेस्ट अकॉर्डिंग और इसमें हम पानी डाल देंगे जितना हमें दाल चाहिए। तो मैंने 1 लीटर इसमें पानी डाल दिया है। दाल को हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद हम 3 सीटी के लिए इसे हम गैस पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इधर 3 सीटी हो गया है, हमारा दाल जो है बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं, ये देखिए फूला फूला दाल जो हो गया है हमारा। चलिए, हम एक बढ़िया सा तड़का लगाते हैं इस दाल को, जो कि हमारा ये दाल जो है बहुत ही टेस्टी होटल स्टाइल बनने वाली है। तो मैंने तेल लिया है रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी तेल में बना सकते हैं इस रेसिपी को, और जीरे से तड़का लगा देना है। उसके बाद मैंने ढेर सारे लहसुन को मैंने बारीकी बारीकी लंबे साइज में काट के लिया है। मुझे इस तरीके से लहसुन डालना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर लहसुन को मैं लंबे लंबे साइज में काटती हूँ। खाने के बाद बहुत ही टेस्टी और मीठा मीठा सा लगता है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से लहसुन डालकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और लहसुन को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। थोड़ा सा मैंने करी पत्ते भी डाल दिए हैं, उसका भी टेस्ट आएगा। सभी चीज़ों को तड़कने दिए हैं 1 मिनट। उसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी में 2 बड़े साइज के टमाटो को पीस ली थी मिक्सर जार में, अच्छे से फाइन पेस्ट बना ली थी। उसको हम डाल करके अच्छे से भून लेंगे। टमाटो को हमें अच्छे से भूनना है, जो भी उसका कच्चा फ्लेवर है निकल जाए। हमें मीडियम फ्लेम पे इसे बराबर चलाते हुए पका लेना है टमाटो को, और बहुत ही बढ़िया दाल का कलर भी आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी आज की मसूर दाल की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, उसे आप दबा दें। अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे आपको हर रोज़ की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टमाटो जो है अच्छे से भुना चुका है, इसमें हम चुटकी भर हींग डाले हैं। हींग का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसलिए आपके पास है तो ज़रूर से डालें। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो मसाले जो भी आपके पास है, सब्जी में जो भी इस्तेमाल करते हैं वो मसाले आप डाल सकते हैं। तो मैंने मिक्स मसाला डाला है, जो कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाले सब मिक्स हैं, वही मसाले मैंने डाला है। मसाले को भी हम 2 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा हमें मसाले को नहीं भूनना है। अगर आप मसाले को ज़्यादा भून देते हैं तो आपका जो दाल का टेस्ट है बढ़िया नहीं आएगा, मसाला जल जाएगा, तो इसलिए आप 2 मिनट ही बस भूनें। 2 मिनट हम भूनने के बाद मसाले को हम इसमें जो दाल बना करके रखी थी मसूर वाला, उसे हम डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसूर दाल जो है कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। तो आप भी इस तरीके का दाल अगर गाढ़ी गाढ़ी सी बनाना चाहते हैं मसूर का, तो आप इसमें बारीकी 2 से 3 प्याज चॉप करके डाल दीजिए। आपकी जो दाल है बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। प्याज का जो टेस्ट इसमें बहुत ही मीठा मीठा सा आता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और दाल जो हम अक्खा बनाते हैं मसूर का, उसके वजह से हमारा जो दाल है गाढ़ी नहीं हो पाती है, इसलिए आप इसमें प्याज को बारीकी चॉप करके डाल देंगे। साथ ही में दोनों पका के आप लेंगे तो आपकी जो दाल है बहुत ही टेस्टी बनेगी।
होटल स्टाइल आप खाना खाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें हरे धने के पत्ते थोड़ा सा डाल दिए हैं और दाल को अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी दाल जो है बन करके तैयार हो गई है। 3 मिनट हमने पकाया है दाल को, ज़्यादा हमें नहीं पकाना था क्योंकि दाल जो है हमारा पका हुआ था। सभी चीज़ों को मैंने पका के लिया है, सभी मसाले भी मैंने भून लिए थे अच्छे से, इसलिए मैंने 3 मिनट बाद गैस को ऑफ कर दी थी। हमारा जो दाल है बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनी है और इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा आया है, आप देख सकते हैं। फिर से मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है हरे धने के पत्ते से। हरे धने के पत्ते आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा। हरे धने जो भी हम रेसिपी में डालते हैं उसका डबल स्वाद आ जाता है। तो ये देखिए हमारी दाल जो है बन करके तैयार हो गई है। चलिए हम इसे बाउल में एक सर्व करके आपको दिखाते हैं कितनी गाढ़ी बनी है, कितनी लाजवाब है। इसे आप राइस के साथ, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसे पूरी के साथ सर्व करते हैं, अगर मेहमान आपके घर में आ गए तो आपके तारीफ किए बिना नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, मुझे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये दाल की रेसिपी आप सभी का फेवरेट बन जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके से दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी बनी है हमारी दाल और बहुत ही बढ़िया प्यारा इसका कलर भी आया है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप सभी को ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है उसे आप दबाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही रेसिपी हर रोज़ में लाती रहती हूँ। तो फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।